के प्यारे और खूबसूरत और इंतहाई मेहनती और लगन से काम करने वाले मेहमान खुसूसी को इस अदारा में आने पर खुश आमदीद कहता हूँ और मैं इनका इंतहाई मशकूर हूँ कि ये जो स्कूल आपको नजर आ रहा है इसकी हालत बदल चुकी है। सच्ची पूछ रहे हैं, हमारी मेहनत रंग लाई है कि इस प्राइवेट स्कूल के बच्चे मिडिल हमारे सरकारी स्कूल में आ गए। आपने ये सुनवाया कि आपके हमारा जो ये अदारा है हाई हो चुका है, सो साथ-साथ काम का और स्टूडेंट्स आपका भी दिल क्या था करने नेशनल एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी जो काम कर रही है सरकारी स्कूलों के हवाले से जितने भी आपको फैसिलिटेट कर रही है, आप क्या आप समझते हैं कि ये एजुकेशन के सिलसिले में आपको एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी ने आज तक हमारे साथ बहुत तावन किया है। एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी ये हमारे साथ तावन ना करे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया सर। नेशनल एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी वो वाद अदारा है जिसका काम स्कूलों में नज़र आ रहा है। सोसाइटी के जो दायरा कार के अंदर स्कूल हैं वो इंतहाई खूबसूरत और बेहतरीन अदारे हैं और जो बेहतरीन टीचर हैं वो नेशनल एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की दरख्वास्त पर अदारों में आ रहे हैं और पूरी निगरानी की जा रही है अदारों की। तो ये नेशनल एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी अगर इसी तरह काम जारी रखेगी तो इंशाल्लाह ताला बहुत तब्दीली बहुत जल्द आएगी। और जब भी हम बाहर जाते हैं डोनेट करते हैं जो माली मामलत करते हैं हमारे सबसे पहले यार गैर में बैठे हुए तमाम दोस्तों का अपनी बहनों का अपने भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपने बच्चों का पेट काट कर यहाँ के गरीब और मतवस्त तबके के लोगों और तालब इलमों की मदद है। जो भी किसी ने पैसा दिया है नेशनल एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से उनका मुकम्मल हिसाबता मौजूद है। स्कूलों की जो मदद की गई है की जा रही है, बच्चों को यूनिफॉर्म और किताबें दी जा रही है, उन्हें सलाम पेश करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं। दूसरी बात यह है कि उनकी जो ज़कात है या जो उनके एहतियात हैं वो सही मानों में गरीबों तक पहुंच रहे हैं, जो जो गरीब हैं इलाके में उनकी मदद। ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपने अल्फाज में जो कुछ लिखा है। हाई स्कूल मावा में अपने हेड टीचर जो हैं इस जबीन साहब उनके साथ बैठे हैं। आज उनसे हम पूछेंगे कि वो सोसाइटी इंटरनेशनल वेलफेयर सोसाइटी का क्या किरदार है इस अदारे के। ये बात बता दूँ कि जिस लेवल पे ये सोसाइटी काम कर रही है, मैं शहर के स्कूलों में भी काम करके आई हूँ, मैंने इतने मुनज़म तरीके से स्कूलों के लिए काम करते हुए किसी सोसाइटी को नहीं देखा। पैसा आप लोग किस तरह से इकट्ठा करते हैं, जाहिर बात है ये एक बड़ा टास्क होता है जिसको लेके आप इतने स्कूलों की हेल्प करते हैं। हमें मौका मिला सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से, मुझे जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ी है ना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिली है। मुझे टीचर्स की ज़रूरत पड़ गई है तो टीचर्स जो हैं वो भी दी गई हैं, उनको पे किया गया है। चौकीदार जब रखने के लिए हुआ पेश आई। यूके की जो हमारी बहनें हैं जो हमारी माएँ डोनेशन इकट्ठी करके देती हैं उनके लिए आसान करेंगी। और मैं ये बात गारंटी से कह सकती हूँ कि ये पैसा जो है वो मिस यूज नहीं होगा। ये डोनेशन जो है ये बिल्कुल उन तक पहुँचती है और प्रॉपर तरीके से पहुँचती है। आप लोगों की सोसाइटी की तरफ से हमें लेटर आ जाता है साल के शुरू में ही कि आप हमें उन बच्चों के नाम दें
जो यूनिफॉर्म नहीं अफोर्ड कर सकते, जो किताबें नहीं अफोर्ड कर सकते, हम लोग बाकायदा यहाँ से लिस्ट भेजते हैं, उस लिस्ट के मुताबिक सोसाइटी की तरफ से पैसे आ जाते हैं, वो उन बच्चों में तकसीम किए जाते हैं, उन बच्चों से बाकायदा साइन करवाए जाते हैं, साइन करवाने के बाद वो लिस्ट जो है वो भेज दी जाती है वापस सोसाइटी। जो हमारी एक बहन ने पूरे आज़ाद कश्मीर से टॉप किया है, आप ये ग्रैंड सब आपको जाता है, और हम मेरे को यूके की टीम आपके बहुत ही शुक्रगुजार है कि आपने हमारा इस इलाके का नाम रोशन किया है। अस्सलाम वालेकुम, आज हम गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल रड़ा टक्की में आए हैं। इनके बहुत से मिसाइल हैं, रिसेंटली मुझे हमें अप्लीकेशन मिली थी यूके ब्रांच में कि इनकी जो है चार दीवारी का मसला है और भी लेटरिन का मसला है, बहुत सारे भी इनके मसाइल हैं। आज हमारे साथ ज़ायदा टीचर हैं जो इस अदारा अज़ा की, ज़ायदा अज़ीज़, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि इस अदारे के क्या मसाइल हैं। यह है कि बच्चों के फर्नीचर है, उनको फर्नीचर का मसला है, और इसके अलावा पानी का मसला है, चार दीवारी का मसला है। ये फर्नीचर की वजह से भी देखें बच्चे जो हमारे नीचे बैठे हुए हैं। जितने भी डोनर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने एहतियात दें, हमें अपने सदकात और ज़कात दें ताकि हम इस स्कूल की चारदीवारी बना सकें, और हमारी ये जो बच्चियां हैं, ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, और ये हमारी जो बहनें यहाँ पढ़ाने के लिए आती हैं, इनको एक पर्दा मिल जाए ताकि वो जो मेन रोड यहाँ से गुजरी है इससे इनके ये पर्दा बहुत ही ज़रूरी है, ताकि ताकि बच्चे जो है ना आराम से बैठ कर पढ़ सकें। जिस चीज़ की हमें ये प्रॉब्लम थी उन्होंने आके हमारे मसले मसाइल सुने, और उन्होंने ये तो आके अच्छी उम्मीद की है वस्ता कि हम आपके जो मसाइल वो हल करेंगे, और ख़ुद आके उन्होंने ये मुआयना भी किया है, स्कूल आके देखा है, और जो कंडीशन है स्कूल की वो भी आके उन्होंने चेक की है। तो अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द अज जल्द जो है हमारी ये धन्यवाद को पूरे करेंगे। जैसा कि मैडम ने बताया कि यहाँ छः क्लासें बची हुई हैं, यहाँ एक नर्सरी से लेकर पहले दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छः क्लासें बनती हैं, छः क्लासें इस एक रूम में रखें। सो इंशाल्लाह आप लोगों के डोनेशन से हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकेंगे। देख रही है बच्चे मोहब्बत करना।
नेशनल वेलफेयर सोसाइटी के अंडर एक और कमेटी बनाई गई छोटे यंगस्टर्स की। ये जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं चंदा बाग के, ये हमने दुकानों पे लगाने हैं इधर अपने बाजार में, तो इसके लिए आप अगर हर इंसान अपना हिस्सा डाले तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी हमारी। मैं समझता हूँ जैसे आप ही की ये तजवीज़, सब लोगों की तजवीज़ थी कि मुकद्दस साहब अल्लाह की को जो है ना उठाकर उनको उसमें डाला जाए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ वो आपने कर दिया और ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत स्वभाव का काम है। और आपसे शर्मी के टूर के साथ बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला, हमें मुख्तलिफ तरीकी जगह देखी, कुछ वही था और कुछ मुख्तलिफ था, लेकिन बहुत कुछ था जो हमारे सीनियर ने हमें बताया कि ये क्या, इसका क्या फ़ायदा है, ये कौन सी चीज़ है, बहुत से मकाम ऐसे थे जिन्हें हम जिनका ब्लड डोनेशन तो बहुत ही मैं कहता हूँ कि लाइफ सेविंग एक प्रोजेक्ट है हमारा। इसमें जो है ना हमने पूरे इलाके के जितने भी नौजवान हैं उन सबको यहाँ पे इकट्ठा किया है, जितने भी हमारे जो पुराने चलाने वाले हैं सोसाइटी को, इस वेलफेयर को, तो उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी वजह से आज एक मैं नहीं पता नहीं कितने और होंगे जो इससे फ़ायदा हासिल करके अभी अच्छी जगह पर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इलाके के लिए फ़ायदा है। और मैं उनका खुसूसन जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कॉम्प्लेक्स की जो बिल्डिंग है, इमारत है, ये तामीर हुई तो आज इससे बेशुमार लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, तो मैं इसका क्रेडिट नेशनल एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर सोसाइटी यूके के मेम्बरान अहदेदारान और यूके कम्युनिटी के तमाम डोनर्स को देता हूं कि ये मैसेज देना चाहता हूं कि बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और तवक्को है कि आप मुस्तकबिल में भी ऐसे कामों में जिस तरह ये आपकी वेलफेयर सोसाइटी है और इन्होंने अस्पताल और तालीम के लिए इदारा बनाया है, मज़ीद आप उनकी मदद करें और फायदा है, चलो दुआ करिए उन लोगों से जिन्होंने लोगों ने सब कुछ किया। आमीन आमीन। तालीमी मैदान में हमारे बच्चे बाकी तमाम लोग जो है उनसे बेहतर पोजीशन में है। हाजी हनीफ ताहिया साहब जो तामीरात के शोबा से ताल्लुक़ रखते हैं, वजीर भी पाकिस्तान के अंदर रह चुके हैं, उन्होंने बरमला इस चीज़ का इजहार किया है कि आपने ये जितनी शानदार बिल्डिंग बनाई है मैं बहसियत वजीर सोच भी नहीं सकता कि इतनी थोड़ी रकम के अंदर इतनी अच्छी बिल्डिंग बनाई। तकरीबन 20 साल से मैं फलाई काम से काम में हिस्सा ले रहा हूँ and I would appeal all those youngsters, young union over there to take share in this in a good cause. National Educational Welfare Society Mawarada 17 January 1997 ko qaim hui. Alhamdulillah sumar alhamdulillah mujhe woh izhar hasil hai ki main isme shamil hua is qafle mein, to in 19 saalon mein aapko ek shakhs bhi aisa nahi milega jo ye kahe कि मैं मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सका। तरबियत इनामात देकर हम अमीर बच्चों को भी इस दौड़ में शामिल करते हैं मुकाबले की फ़िज़ा में और गरीब बच्चों को हम उनकी माली मामलत करके वो उस दौड़ में शामिल करते हैं ताकि कोई गरीब बच्चा ये ना कहे कि मेरे पास पैसे नहीं थे,
इस वक्त एक बच्ची जो मीरपुर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में जा रही है, उसका 18,000 रुपया एक सेमेस्टर का खर्च है, वो भी तंजीम के प्लेटफार्म से उसको रेगुलर मिल रहा है। और बेशुमार बच्चियाँ ऐसी हैं जो कॉलेज में जा रही हैं, उनके लिए किराया है, और वो मुस्तैक बच्ची हैं, और उनका जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा सीकर राज में है। इस वक्त हमारे दो बच्चे जो हैं वो MBBS कर रहे हैं, और एक बच्चा जो है उसने M.Com किया हुआ है। तो इस हवाले से हमारे लिए फख्र की बात है। तो एक बच्ची जो है उसने में इंग्लिश में लेक्चरर है, प्रोफेसर लगी हुई है। तो इस हवाले से हमारे लिए बेशुमार ऐसे बच्चे हैं जो इस मैदान में अब जा रहे हैं। अच्छी बिल्डिंग अस्पताल में भी बनी गई है, और एजुकेशन पर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है, और ये सारा सेहरा जड़ा ये अपने जड़े असा ने अजीज़ वकार इंग्लैंड च ये सारा सेहरा उन्होंने सहरा है कि उन्होंने मदद नाली एक बड़ा अच्छा अस्पताल असा बनाने कामयाब हो रहे हैं, और जड़ा चली भी रहा, और बाकी भी तालीम बेहतरी वास्ते मवाड़ा ने अंदर तालीम बेहतरी वास्ते भी जितना कम हो ही रहा वो भी इस तंजीम इंटरनेशनल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ने प्लेटफार्म तो हो ही रहा, और अस अल्लाह ताला का फजल करम बड़े मुतमैन हाँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले बहुत खदशात सन कि इख्तलाफात हो सके नाकाम हो जाए, लेकिन अल्लाह ने फजल करम हो गया कि इन बच्चियां इन दोस्तों इन भाइयों बहुत मेहनत की है। अपना आप दस्या तो मैं शुक्र गुजार हाँ बरतानिया लोगों को, अस वो कुछ भी ना कर सकते हैं। सारे लोग जड़े हैं ना वो गरीब लोग हैं, लेकिन बरतानिया लोगों ने बड़े आसान हैं ना सामने किसी कमरे डोनेट किए, किसी जितना फंड सी वो दिते, और सोसाइटी ने बहुत अच्छे तरीके ने इसे चलाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक तारीख को बदला है और एक नई तारीख रकम की है, एक ख्वाब को हकीकत का रूप दिया है। हमारी कारकर्दगी आपके सामने है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा हमने क्या किया, हमारी आगे भी बहुत सी मंजिलें हैं। ये जो कुछ हमने किया ये तभी मुमकिन हो सका कि आप लोगों का तामन साथ रहा, और हमारी मेहनत और दयानदारी शामिल रही, तभी हम इस मंजिल को अचीव कर सके हैं। तालीम और सेहत के ऊपर जो हमने काम किया वो आपके सामने है, आगे हमने इसको बहुत दूर लेकर जाना है, और इसके लिए भी हमें आपका तावन दरकार होगा। और आप यकीन रखें कि हम आपके एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगे। आपका तावन जारी रहा तो हमारी मंजिल बहुत आसान हो जाएगी। मैं इस मौके से फ़ायदा उठाकर बहसीत प्रेजिडेंट नेशनल एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी 2011 में बोस्टर के प्रोग्राम में जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट पे एक बहुत बड़ा फंड फराहम किया था, आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह बहुत कम मुद्दत में हमने इस एक बड़े प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुँचाया, यकीनन आपके तामन की वजह से पहुँचाया, आइंदा भी ऐसे प्रोजेक्ट और तालीम और सेहत के ऊपर बेशुमार और दीगर जो काम बाकियाँ हैं वो भी हम इंशाल्लाह ज़रूर पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। आप हमारे ऊपर इतमाद कीजिए, हम इंशाल्लाह आपके इत्माद पे पूरा उतरेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।